हेलो दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। इसे देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछले लेक्चरों में यूपी पीसीएस का नया पैटर्न भी देख लिया है और यूपी पीसीएस का नया सिलेबस भी देख लिया है और 2012 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 2013 के पेपर के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिए ऋग्वेद में। सी ऑप्शन सही है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। अथर्ववेद यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं, 711 सूक्त हैं। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। भगवद गीता मूलतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वे उपदेश का सार है जो निष्काम कर्म को ही प्रमुखता प्रदान करता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, गौतम बौद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये सुबद्ध। डी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बौद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बौद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? तो याद रखिए ये थी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी ऑप्शन सही है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता। बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था तथा आय के संग्रह कर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो याद रखिए यह था एक खैराती अस्पताल। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की तथा मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दार उल सफा की स्थापना की। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो याद रखिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जो चांदी का टंका, तांबे का जितल। इन्होंने एकता प्रणाली का प्रारंभ किया। इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इन्होंने ही किया था, इल्तुतमिश ने। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, तिरुज्ञान। छठी शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयार शैव संतों ने किया। कृष्णसार अलवार संत पोयगई, पूडम तथा तिरुमंगई हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? याद रखिए नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसमें, दास्ताकांत मेलकम। ये गलत है, बाकी तीनों सही। पुनः जजिया कर लगाना, फरोक्सिया, मुसलीपट्टनम का अधिकार, भोड़, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी व्याख्या की बात करें तो पुनः जजिया कर लगाना, फरोक्सिया, मुसलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक और दास्ताकांत एलन बरो ने किया। लॉर्ड एलन बेरो 1842 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बने। इससे पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष रह चुके थे।
आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फिथम का राजदूत था? तो याद रखिए है विलियम हॉकिंस, ए ऑप्शन सही है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाही, परंतु 1611 में उन्हें वापस लौटना पड़ा। कैप्टन हॉकिंस के पश्चात इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने उस व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान किया। अब नौवा क्वेश्चन है हमारा, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो याद रखिए अब्दुल कादिर बादायूनी। मुगल सम्राट अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की, इसके अधीन अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। गणित की एक पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। वो अबुल फजल ने पंचतत्व का अकबर के धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट रहने वाले अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। सम्राट के आदेश के बाद अनिच्छा से किया था। दसवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो डी ऑप्शन सही इसमें, याद रखिए खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की पर गद्दी पर बैठा। इसके समय में प्रमुख विद्रोह इस प्रकार हुए, खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1626, महाबत खां का विद्रोह 1626। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायस राय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो याद रखिए सी ऑप्शन है सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायस राय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से सर शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। इसी हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस की, और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी, नाइटहुड। अगला हमारा है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए उपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो याद रखिए हैं सर तेज भारत बहादुर सप्पू और जयकर ने, सी ऑप्शन सही है इसमें। तेज बहादुर सप्पू और जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। 13वां क्वेश्चन है, चंपारण में तीन कठिया पिथा का तात्पर्य था? तो ए ऑप्शन सही है इसमें, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। चंपारण में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। 14वां क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इनमें से संबंधित थे? तो याद रखिए बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में हुई। इस संस्था के संस्थापक बीजी तिलक थे, बी के चिपलंकर तथा एम बी नाम जोशी थे। ध्यातव्य हो कि जस्टिस रणदे इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य नहीं थे, बल्कि इनके 5 संरक्षकों में से एक थे। 15वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी ऑप्शन सही है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के साथ आगा खा और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह मुहसी नुरुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1917 में स्वीकृत मुस्लिम लीग के संविधान में प्रथम मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना और अंग्रेज सरकार की नीति के विषय में
उत्पन्न संदेह को दूर करना 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो याद रखिए था कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसने पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसने पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। इसी कांग्रेस के सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। 17वां क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक रहा। तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, 28 माह। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। इसमें बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाई। कांग्रेस का शासन 28 मार्च तक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध बिना भारतीयों से राय लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस शासित सभी 9 प्रांतों की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो याद रखिए डी ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन के। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव 7 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 की वह आंदोलन था जब यहाँ से गांधी युग की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में नमक कानून तोड़ना, सरकारी सेवा का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब दुकानों पर धरना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी रोकना इत्यादि शामिल थे। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 19 माउंटबेटन योजना का आधार बनी। तो याद रखिए देश के विभाजन की, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। फिशन अनुसार माउंटबेटन योजना सत्ता के हस्तांतरण का आधार बना। 20वां क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। तो ये ऑप्शन सही है, बी चरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। 21वां क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। तो याद रखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन सही है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। इसी बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने पारित कर दिया। इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 22वां क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष को निम्नलिखित में से किसने वकालत की। तो डी ऑप्शन सही है, सर टी बी सप्पू। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के एन कार्जू ने पैरवी की। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन,
23वां, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के पिमाड़ी मध्यान रेखा कहलाता है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, 82 डिग्री 30 पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, किस समय को मानक समय माना गया है? यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, अतः ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। भारत की प्रमाणिक मध्यान रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 24वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन याद रखिए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सही, इसमें लिपुलेख एक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। सही सम्मिलित है नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट है केरल में। 24वां क्वेश्चन हमारा, 25वां सॉरी, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, सतलज। रावी चेनाब ब्यास का हुआ है, सतलज का नहीं हुआ है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। यह कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। 26वां, निम्नलिखित में कौन भारत की प्राकृतिक बंदरगाह है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, इसमें कोची और विशाखापट्टनम। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की संवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, कथन है और कारण फिर, कारण कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण है और उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है हम लोग, तो सी ऑप्शन सही है, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, परंतु इस काली मृदा में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस की मात्रा कम होती है। एक काली मृदाएं महाराष्ट्र भारत के मध्य क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी भारत की दूसरी बड़ी मृदा है। यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। हमारा 28वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये उद्योग हो गए अपने एक केंद्र है। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम है जेके नगर में, तांबा है मलाजखंड, जस्ता है टुंडू और जूट है भाटपाड़ा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम है जेके नगर, तांबा है मलाजखंड, जस्ता है टुंडू और जूट है भाटपाड़ा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित 29वां क्वेश्चन है, इसे भी करना है। तो ये उद्योग हो गए अपने, ये स्थान हो गए। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें भी सही है, कागज है टीटागढ़, सीमेंट है लखेरी, लोहा और इस्पात है भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला है अंबाला मुकुल। सही सम्मिलित है ये कागज, टीटागढ़, सीमेंट, लखेरी, लोहा और इस्पात, भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। अब हमारा आया 30वां क्वेश्चन, तीसवा क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो याद रखिए
बी ऑप्शन सही है, नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, वर्तमान में 89 तारामंडलों की खोज की गई है। निहारिका विकासवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है। एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकट निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड है। 31वां क्वेश्चन है हमारा, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित करती है, तो सी ऑप्शन है आयनमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में बांटा गया है वायुमंडल को, जो मंडल, फिर समता मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वाहिनी मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायु दाब पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित टी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। 32वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है, तो याद रखिए महासागर, सी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता अर्थ होता है पोषण स्तर पर स्तर में स्तर एक में स्वपोषित पोषक पौधों द्वारा सूर्य को ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का प्रयोग करके विकास संश्लेषण विधि में सिपिति समय इकाई में जैविक पदार्थों या ऊर्जा में वृद्धि कर दे दर। प्रश्नानुसार सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। 33 है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिए ये डी ऑप्शन, पेरू नाइट्रेट के लिए। बोलिविया है, टिन सही है, ब्राजील लोहेस, मैक्सिको चांदी, ये सही है, चौथ डी ऑप्शन गलत है। टिन टिन की प्राप्ति कैसीटेराइट एस से होती है, इसकी कोमलता और जंग रहित स्वभाव के कारण इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। इसका उत्पादन बोलिविया में है। लोहेस का क्योंकि शीर्ष तीन उत्पादक देश चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश पेरू है तथा मैक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया इसके क्रमशः प्रमुख उत्पादक देश हैं। वर्तमान में चांदी के तीन शीर्ष उत्पादक देश हैं, मैक्सिको, पेरू, चीन। अब हमारा 34वां क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये कोयला क्षेत्र हो गया, ये देश हो गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। डोनेट्स है ये अपना है यूक्रेन में, कुजनेटेक्स ये हो गया रूस, लंका सा है ये यूके और सार है जर्मनी। इसकी व्याख्या है डोनेट्स है यूक्रेन, कुछ नेट्स ये रूस, लंका सार यूके और सार है जर्मनी। 35वां क्वेश्चन हुआ, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो याद रखिए जापान, डी ऑप्शन सही है। विश्व विकास संकेतक 2015 के अनुसार वनों की स्थिति इस प्रकार है, जापान में 68.5%, इंडोनेशिया 50.2%, भारत में 23.8% और चीन में 22.2%। 35 के बाद 36वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये नदी हो गई, ये बांध हो गए, इसमें डी ऑप्शन सही है, याद रखिए। अब हम लोग इसकी व्याख्या डायरेक्ट देख लेते हैं। कोले रेडू है ये हूवर, दामोदर है पंचेल हिल, नील है अस्वान और जम्बेजी है केरीबा। 37वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात के प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के कारण से प्राप्त करता है, तो सी ऑप्शन म्यांमार। वर्तमान में क्रम अनुसार कोई भी देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का 2/3 चावल व्यापार से नहीं प्राप्त करता है, अर्थात इन सभी देशों में चावल के निर्यात का उनके कुल निर्यात में प्रतिशत काफी कम है, अतः सभी विकल्प गलत हैं। हाँ, कुछ दशक पूर्व म्यांमार अपने कुल निर्यात का 2/3 चावल से प्राप्त करता था। ठीक, 38वां क्वेश्चन है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है, तो याद रखिए ब्राजील। विश्व में कहवा उत्पादन का शीर्षक देश ब्राजील सर्वाधिक उत्पादन, वियतनाम द्वितीय द्वितीय स्थान पर,
इंडोनेशिया तृतीय पे, तीसरे स्थान पर। अब हमारा 39वां, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। दिए गए चारों विकल्प में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की 87.9% है। दिए गए विकल्पों में स्त्री साक्षरता निम्न दर है, दर निम्न प्रकार है, तो लक्षद्वीप में 87.9, दमन द्वीप में 79.5, पुडुचेरी में 80.7 और चंडीगढ़ में 81.2% है। 40 हमारा, जनसंख्या के पैरामीटर में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, 0 से 14 वर्ष। जनसंख्या पैरामीटर में सामान्यतः 0 से 14 वर्ष आयु को आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को आश्रित जनसंख्या के रूप में भी जाना जाता है, जबकि 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। 41वां क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रश्न अनुसार राज्य की सही नगरीय जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है, महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 42वां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम प्रस्तुत कीजिए, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, याद रखिए। 4-3-2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक 19,95,87,000 के करीब है, महाराष्ट्र की 11,23,72,972, बिहार की है 10,38,04,637, आंध्र प्रदेश की है 8,46,65,533। क्रमशः घटते क्रम में आकी गई आंकड़ों की ये गिनती है, अंतिम आंकड़ों में अभी कामोबेश यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं अपना 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। ठीक, अनुच्छेद 39 से इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, डी ऑप्शन गलत। अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन है। 44वां क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो डी ऑप्शन सही है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूह के उनके संख्या के अनुपात के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों में कौन सही नहीं है, याद रखिए सही नहीं है, तो डी ऑप्शन है, इसमें जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, एबीसी सही है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, डी ऑप्शन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी सही है, सी सही भी है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल सम्मिलित है। व्याख्या देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ना कि जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद श्री बीवी गिरी उपराष्ट्रपति चुने गए। उल्लेखनीय है कि तीनों उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भी रहे।
40वां अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई। तो याद रखिए बी ऑप्शन है 169। विधान परिषद के सृजन एवं समाप्त किए जाने की व्यवस्था एवं प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण उत्पादन के लिए संसद विधि बना सकती है, परंतु इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा उसके कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग 47वें क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो उत्तर प्रदेश इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, परंतु 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के निकलने के बाद विधान परिषदों की संख्या 100 बची, तो यहां 100 होना चाहिए था, गलत ऑप्शन है। अगला 48 है, निम्नलिखित राज्यों में किसने 1967 से 1971 की मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार में बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसमें, बिहार। बिहार में सन 1967 से 1971 के मध्य सर्वाधिक 9 बार गठबंधन सरकारें गठित की गई। अब 49 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है इसमें, योजना आयोग नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये संवैधानिक निकाय है जबकि योजना आयोग नहीं है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिए सी ऑप्शन है, राज्य वित्त आयोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग वित्त आयोग की गठन की गई। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो संघीय स्रोतों से मिले राजस्व को संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन का स्वरूप तय करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 जा के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों हेतु वित्त के स्रोतों की व्यवस्था हेतु सुझाव देता है। 51वां क्वेश्चन है हमारा, 51। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो ये ऑप्शन सही है, ए 338 और 338 ए। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग अनुच्छेद 338 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 ए में है। 52वां क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, 331। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 53वां क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो 1961 में ये ऑप्शन सही है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में संविधानिक विकास का सूत्रपात किया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। इसी अधिनियम के अधीन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए एक एक उच्च न्यायालय तथा अवशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक और उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया, 1861। चलिए हम बात करते हैं 54वां क्वेश्चन,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सही है। इसका मूल अपीलीय परामर्श और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, परामर्श दायित्री क्षेत्र अधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। अध्याय ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था है। भारत के वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को की गई। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। 55वां क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो डी ऑप्शन बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता की समिति 1957 में बनी। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने भारत में द्वितीय स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, जबकि थंगन समिति का सिफारिश 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं निकायों की को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 56वां क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 57वां क्वेश्चन हमारा, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है इसमें। 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार को संसद ने विधिक अधिकार मानते हुए सूचना अधिनियम अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम पर 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से यह देश के सभी भागों में लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा किसी भी नागरिक द्वारा सूचना मांगने के पर सभी संस्थाओं को 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो याद रखिए यह 9 भाग 9। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था तथा 9 का में नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संविधानिक आधार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं हम लोग 59वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए ग्रामीण उद्योग। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवस्थापना से आशय अर्थव्यवस्था की नींव से है। इसके अंतर्गत वे सभी आधारभूत क्षेत्र आते हैं जिन पर किसी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। अवस्थापना के दो रूप हो सकते हैं, एक भौतिक और दूसरा सामाजिक। भौतिक के तहत आता है संचार शक्ति को माना जाता है। सामाजिक अवस्थापना जिसमें जल आपूर्ति, सफाई, सीवेज, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्मिलित है, जो प्राथमिक सेवाओं के समान है तथा जिनका जीवन की गुणवत्ता तथा मानवीय पूंजी की उत्पादकता की वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। 60वां हमारा है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। सी ऑप्शन सही है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, LPG की नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 1991-92 में प्रारंभ की गई। 61वां हमारा क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद,
पिति व्यक्ति आय का सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की माप के रूप में स्वीकार करते हैं, पर चूंकि पिति व्यक्ति आय की गणना करते समय हम जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम पिति व्यक्ति आय की वृद्धि को भी आर्थिक समृद्धि की माप के लिए अधिक स्वीकार करते हैं। 61वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिति दर सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू पिति दिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग है, तो याद रखिए 8%। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 61वें चक्र की गणना अनुसार चालू वित्तीय दिन स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर अग्निलिखित प्रकार की थी, ग्रामीण में 8.2% और नगरीय में 8.3%। 63वां क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन सही है, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में प्रारंभ की गई। योजना का मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कें करना है। ज्ञातव्य है कि 2001-2 में ग्रामीण विद्युतीकरण को भी इसके घटक के रूप में शामिल किया गया। अब हमारा 64वां क्वेश्चन है, स्वाधार योजना है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। स्वाधार योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसका यह योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत वेश्यावृत्ति, रिहा, कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है। 65वां क्वेश्चन है, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, तो डी ऑप्शन है औषधियां और पिति जैविक, बाकी तीनों है साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल इसमें शामिल है, औषधियां और एवं पिति जैविक इसमें शामिल नहीं है। इको मार्क योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद आच्छादित हैं, साबुन और अपमार्जक, कागज, खाद्य पदार्थ, स्नेहक तेल, पैकेजिंग पदार्थ, आर्किटेक्चरल फ्रेंट, पाउडर, बैटरी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य मिश्रण, लकड़ी के स्थानापत्य, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, प्लास्टिक उत्पाद, टेक्सटाइल्स, अग्निशमक यंत्र, चमड़ा। 66वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन है मार्ग कर, टोल टैक्स। भारत सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर राज्य सरकार लगाती है। 67वां क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, तो डी ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति, कौन सी फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अतिरिक्त प्रमुख रूप से IDBI, LIC, GIC तथा SBI हैं, जबकि अन्य प्रवर्तक ICICI, IFCI, SHCIL, BBI, कैपिटल मार्केट लिमिटेड IL तथा FSL। अगली बात करते हैं 68वां क्वेश्चन, भारत से निम्नलिखित में कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, तो एक याद रखिए डी ऑप्शन सही है, दालें। 1 भारत दाल का आयातक देश है, इससे यह निर्यात नहीं करता है। दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता की कमी के वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इसका सबसे प्रमुख कारण उन्नत तथा प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता को बताया। सीगी ब्रीडर फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय दाल शोध संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय बीज निगम ICAR, IFFCO,
तथा NAFII बैठक में योजना निर्धारित की गई की जाएंगी। अगला है 69 फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है, तो याद रखिए 2002। फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियम 1999 पारित हुआ। इसका गठन 2000 में किया गया था, परंतु फेरा के कुछ मामलों में लंबित रहने के कारण फेमा को अंतिम रूप से 2002 में लागू किया गया। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करना है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए है अवरक्त, ए ऑप्शन सही है। दूरस्थ नियंत्रण और बगैर तार के कुछ दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसमें प्रया अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। 71वां क्वेश्चन हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए बी ऑप्शन है क्लोरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाती है, इसे क्लोरोनीकरण कहते हैं। अब हमारा है 72वां क्वेश्चन, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है 0.05% या इससे कम। यूरो मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। 73वां क्वेश्चन है, सूर्य के विकास के 10 भाग से विकास संश्लेषण किया जाता है, तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया द्वारा। 400 से 8000 फीट नीचे वाला भाग जीवाणु बैक्टीरिया और है विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब हमारा 74वां क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो ये याद रखिए अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है, इसके अतिरिक्त अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है। अब 75वां हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो याद रखिए डी ऑप्शन, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरोध रक्षा कर सकता है। पहला भी सही है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। बी ऑप्शन सही है, यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। सी ऑप्शन है, यह उदासी से लड़ सकता है। डी ऑप्शन गलत है। टायरोसिन एक गैस आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अमीनो अम्ल फेनाइललालानिन से बनता है। यह अनेक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन डोपामिन का निर्माण करता है। यह स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करते हैं तथा भावात्मक पर्यावरणीय दबाव का सामना करने में सहायक होते हैं। 75वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, तो याद रखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस। टाइगर मच्छर एडीज एल्वोपेक्टस स्टेगोरियो एल्वोपेक्टा सफेद पट्टियों वाला काले रंग का मच्छर है। यह एलो फीवर डेंगू फीवर चिकनगुनिया आदि बीमारियों को फैलाता है। 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो याद रखिए लाइकेन, बी ऑप्शन सही है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर
सहजीवी जैसा होता है, लाइकेन वायु प्रदूषण से संकेतक होते हैं, तथा जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। अब हम बात करते हैं, 78वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो यह मेरा स्मस, ए ऑप्शन सही है, मेरा स्मस। इसकी व्याख्या देखते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी या न्यूनता के कारण मेरा स्मस रोग उत्पन्न होता है, जिससे शरीर गठन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जबकि प्लाग्रा प्लाग्रा विटामिन B5 की हीनता से होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट्स रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। अब है हमारा 79वां, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धाराओं को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है, यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाती है, तब ऑक्सीजन में कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध होता है, जिसके परिणाम से रोग मृत्यु हो जाती है। तो 80वां क्वेश्चन है हमारा, पिस्तन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके पिस्तन का कार्य खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करता है। पिस्तन खाद्य पदार्थों में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके उनके परिरक्षण में सहायता करता है। 81वां क्वेश्चन है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित केसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो याद रखिए उपयुक्त सभी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलर मेटल संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियम लागू होता है। 82वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, पराबैंगनी। ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर स्फीयर की निचली सतह में पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। 83वां क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये जैव मंडल है अपने, जैव मंडल भंडार, ये अवस्थिति है इनकी, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नॉकरेक है, याद रखिए, ये मेघालय में, मानस है असम में, दियांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश, और अगस्त मलाई है केरल में। तो इसकी व्याख्या है, नॉकरेक मेघालय, मानस असम, दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, और अगस्त मलाई है केरल में। 84वां क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सी है, 80 dB। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसीबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, और WHO ने 75 डेसीमल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। या तो एक साधारण मानव ज्यादा से ज्यादा 130 डेसीबल तक तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है, लेकिन 85 डेसीबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा या हो सकता है। 150 डेसीबल की ध्वनि से तो व्यक्ति को 150 डेसीबल की ध्वनि तो व्यक्ति को पागल बना सकता है। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो याद रखिए जैव मंडल रिजर्व, ये ऑप्शन सी है। जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करता है, जैसे जनजनिक
विभिन्नता, प्रजाति विभिन्नता, कालिक विभिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्नता, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। 86 का क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो याद रखिए हरे पौधे, बी ऑप्शन सही। जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने 1896 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग उस विज्ञान के लिए किया था जिसमें जीव विज्ञान और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार फ्रेम बना निर्मित करते हैं। 87 का क्वेश्चन है, कथन ये है और कारण आ रहे हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, फिर कारण है अपना। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो ए ऑप्शन सही है, ए तथा आर सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। 88 निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव का खतरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से अधिक होता जा रहा है क्योंकि इससे तापमान में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, मैथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का जमाव वातावरण में होता जा रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य कारण तेल है। कोयला और प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग और उद्योग एवं निर्जनीकरण के लिए पेड़ों का जलाया जाना रहा है। 89 का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो याद रखिए उपयुक्त सभी, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। वायुमंडल का स्वाभाविक गुण है अस्थिर रहना। यदि इस तत्व को जलवायु के संदर्भ में देखा जाए तो समय स्थान के संदर्भ में दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि मौसम में किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से दीर्घकालीन या अल्पकालीन परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। 90वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के सर्वाधिक योगदान देने वाले गैसें इस प्रकार हैं, जल वाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मेथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी वैश्विक तापमान में योगदान है। उपयुक्त गैसें की अपेक्षा कम है, अतः विकल्प सही है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक एजेंडा 21 की सही व्याख्या परिभाषा है? तो सी ऑप्शन सही है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक बार कार्य योजना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। यह कार्य योजना 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण ये विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। 92वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो डी ऑप्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। वस्तुतः जब अम्लीय गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वातावरण में गुजरती हैं तो कई तरह के रासायनिक परिवर्तन के साथ घटित होती हैं। अम्ल H2SO4 तथा NHNO3 बनाती हैं तथा ओस तथा वर्षा की बूंदें के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। उपयुक्त वर्षा ही अम्ल वर्षा कहलाती है। 93वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही एक सही सम्मिलित है? तो याद रखिए ये ऑप्शन,
बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस सुएस बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस इकोसिस्टम एजी ट्रांसलिन इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन। 94वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आद्य क्षेत्रों में किन्हें राम सर का दर्जा दिया गया। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन सही है सभी, मतलब चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बूलर झील। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रामसर अभी समय के समय अंतर्गत भारत में कुल 26 आर्द्र क्षेत्रों को रामसर आर्द्र क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसमें चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव पक्षी विहार, बूलर झील भी शामिल है। अब हम बात करते हैं 95वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी है स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिए इटावा में 19 मई 2013 को पर्यावरणीय वन एवं मंत्रालय ने राज्य सरकार को शेर सफारी इटावा में बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान दी है। 96वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। तो याद रखिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में की जा रही है, जिसका निर्माण निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं 97वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालय में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों को सुलभ पहुंच के लिए पत्र जारी करने का निर्णय किया है। इस कार्ड का नाम है स्वर्ण पत्र, याद रखिए क्या है स्वर्ण पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कार्यालयों में बाधा रहित प्रवेश हेतु उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों को स्वर्ण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह कार्ड एक प्रकार का फोटो पहचान पत्र है, जिस पर धारक की फोटो लगी होती है। इसके माध्यम से धारक राज्य सचिवालय एवं राजकीय विभागों में प्राथमिकता के आधार पर बगैर रोक के आ सकता है। 98वां क्वेश्चन हमारा, 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेला में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था। तुम्हारा इसमें बी ऑप्शन सही है, महाशिवरात्रि नहीं था, वसंत पंचमी था, मकर संक्रांति था, मौनी अमावस्या था। कुंभ मेला 2013 इलाहाबाद प्रयाग में शाही स्नान निम्नलिखित तिथियों में संपन्न हुआ था। प्रथम शाही स्नान 14 फरवरी 2013 मकर संक्रांति के दिन, द्वितीय शाही स्नान 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के दिन, तृतीय शाही स्नान 15 फरवरी 2013 को बसंत पंचमी। शाही स्नान उस स्नान को कहा जाता है जब विभिन्न अखाड़ों के धर्मगुरु तथा साधु संत प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले स्नान करते हैं, उनके स्नान के बाद ही सामान्य जन स्नान कर पाते हैं। अब 99वां क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2013 में कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ हादसे की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन किसे नामित किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है, माननीय न्यायमूर्ति ओकारेश्वर भट्ट। ठीक है, 100वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, स्थान है उद्योग है, तो चुरुक है ये, याद रखिए सीमेंट तीज से संबंधित है उद्योग है। फिर फिरोजाबाद है ये, चूड़ियों से संबंधित। अलीगढ़ है ताला, मेरठ है खेल का सामान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारत में चोट सीमेंट उत्पादन उद्योग हेतु है। फिरोजाबाद महिलाओं के लिए चूड़ियां के उद्योग से संबंधित है, चूड़ियों की नगरी भी बोला जाता है फिरोजाबाद को। और अलीगढ़ मकानों हेतु ताले के लिए ताला नगरी बोला जाता है अलीगढ़ को। मेरठ शहर खिलाड़ियों हेतु खेल का सामान जैसे क्रिकेट बल्ले आदि के लिए प्रसिद्ध है। 101वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो बी ऑप्शन याद रखिए झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में स्थित मिलते हैं। 102वां क्वेश्चन है हमारा, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान था जोंगमऊ।
बी ऑप्शन सही है, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांग मऊ जांग भू में 1 नवंबर 2010 में बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है। 103वां क्वेश्चन हमारा, इसरो का 100वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहाँ से छोड़ा गया? तो ए ऑप्शन सही है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 100वां उपग्रह यान PSLV-21 से भेजा गया है। इस मिशन के द्वारा दो विदेशी उपग्रह को 662 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। 104वां क्वेश्चन है, सितंबर 2012 के अंत में भारत ने सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसका नाम है GSAT-10। 29 सितंबर 2012 को भारत ने अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-10 को फ्रेंच गुयाना के कोरू से Ariane 5 ECA रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक विक्षेपण किया है। 105वां क्वेश्चन है, मार्च 2 से 4 तक 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई, तो याद रखिए DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस का प्रथम आयोजन 2 से 4 मार्च 2013 को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसका ध्येय था साइंस फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश भविष्य को आकार देने हेतु विज्ञान। 106वां क्वेश्चन है हमारा, एक हालिया समाचार और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, इसमें उपयुक्त सभी भावी चंद एवं मंगल मिशन, मौसमी विज्ञान तथा अंतरिक्ष में कोर, ग्रह ग्रह एवं सूर्य से संबंधित भौतिकी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने निम्नलिखित क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग हेतु एक कार्यकारी समूह बनाने की पर सहमति जताई है। उपग्रहों से प्राप्त संकेतों तथा आंकड़ों से मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु परिवर्तन आदि, चंद्रयान वन, मंगल मिशन, ग्रह एवं सूर्य से संबंधित भौतिकी। 107वां क्वेश्चन, भौतिकी में 2012 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से फ्रांस के एक वैज्ञानिक और अमेरिका के एक वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया? तो याद रखिए क्वांटम भौतिकी, सी ऑप्शन सही है। वर्ष 2012 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर्गे हरोसे एवं अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जे वाइनलैंड को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटम सिस्टम के लिए दिया गया है। 108वां क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, यह अपनी एक सूची है दूसरी है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, याद रखिए। तीसरा, क्यूरियोसिटी रोवर ये यूएसए अमेरिका का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है, ठीक। फिर अपना मैसेंजर, तो याद रखिए मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है। रोस्तम फर्स्ट की बात करें तो ये DRDO का अपना मानव रहित वायुयान है, और आकाश सेकंड की बात करें तो ये टैबलेट है। इनका व्याख्या देखते हैं, क्यूरियोसिटी रोवर अमेरिका के मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है, मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है, रोस्तम DRDO द्वारा मानव रहित वायुयान है, और आकाश सेकंड टैबलेट है। 109वां क्वेश्चन है, 29 मार्च 2013 को एक रूसी अंतरिक्षयान के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मात्र 6 घंटे में पहुंचकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि इसके पूर्व अंतरिक्ष का ISS पर पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लिया करते। यह अंतरिक्षयान कौन सा है? तो याद रखिए यह सोयूज
रॉकेट पर सुई TMA-08M अंतरिक्ष यान का विक्षेपण बाइकोनूर विक्षेपण स्थल को से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 29 मार्च 2013 को किया गया है। यह यान मात्र 6 घंटे में ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। इस यान ने केरेन नेवर्ग फेडर यूर चेकिन तथा लुका परमितानो अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचे। 110वां क्वेश्चन है हमारा। फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो याद रखिए आर अश्विन को। फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला के लिए इस श्रृंखला में स्पिनर रविंद्र चंद अश्विन को 4 मैचों में 29 विकेट लेने के कारण से मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। 111वां क्वेश्चन है हमारा। फरवरी 2013 में संपन्न आईसीसी महिला विश्व कप का विजेता रही है? तो याद रखिए विजेता है ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या की बात करें हम लोग तो आईसीसी द्वारा संपन्न तृतीय महिला 2020 विश्व कप अक्टूबर 2012 में श्रीलंका में संपन्न हुआ। इस मैच में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। 112वां क्वेश्चन है। 18 मार्च 2013 को आयोजित 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, उषा जाधव को। 18 मार्च 2013 को संपन्न 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उषा जाधव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मराठी फिल्म धागे के लिए प्रदान किया गया है। 113वां क्वेश्चन है। भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो याद रखिए पनडुब्बी संस्करण का। ये ब्रह्मोस का पहला पनडुब्बी संस्करण था जिसका विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी में 21 मार्च 2013 परीक्षण किया गया। मिसाइल ने 3 मैक की गति से उड़ान भरी और 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अपने लक्ष्य को ध्वस्त किया। 114वां क्वेश्चन है हमारा। अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किए? तो ए ऑप्शन जैव विविधता पर सम्मेलन में, ए ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में संपन्न जैव विविधता सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा नाम से $5 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। 115वां क्वेश्चन है। नए पोप फ्रांसीसी तीर्थम निवासी हैं, तो अर्जेंटीना के, ये ऑप्शन सही है अर्जेंटीना के। मार्च 2013 में निर्वाचित नए पोप फ्रांसिस तीर्थम अर्जेंटीना के निवासी हैं। इनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोगिलियो है। यह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस के मुख्य आर्क बिशप हैं। 116वां क्वेश्चन है। फरवरी 2013 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी? तो ये है पार्क यून हाई। 117वां क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। दिसंबर 2012 में दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव में 60 वर्षीय पार्क यून हाई दक्षिण कोरिया की 11वीं तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। इन्होंने 25 फरवरी 2013 को पदभार ग्रहण किया। 117वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से होगा। वर्ष 2019 के विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी गई है। 18वां क्वेश्चन, 118वां, मार्च 2013 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो डरबन में। विश्व का सर्वाधिक बड़ी उदयमान बाजार अर्थव्यवस्था ब्राजील रूस इंडिया तथा चीन के समूह को ब्रिक कहते हैं। इस शब्द का प्रतिपादन 2001 में गोल्डमैन शेख के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने किया। इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को यकटरिन
यकट रेन की रूस में हुआ। ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने पर इसका नाम ब्रिक्स हो गया। मार्च 2013 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। 119वां क्वेश्चन हमारा, 25 फरवरी 2019 को श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरल उपग्रह के अलावा अन्य देशों के 6 और उपग्रहों को अंतरिक्ष में विक्षेपित किया, जिसकी संख्या भी तो याद रखिए 4। बी ऑप्शन सही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PLSLV-C 20 से 25 फरवरी 2013 को इंडो फ्रेंच सैटेलाइट सरल तथा 6 अन्य उपग्रहों का विक्षेपण सफलतापूर्वक किया। ये 6 उपग्रह उनके देशों के नाम निम्नलिखित हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना ब्राइट, ऑस्ट्रेलिया के यूनी ब्राइट और ब्राइट, कनाडा के सफिर और नियोसेट, डेनमार्क के हैं EOSAT-3 और यूके के हैं एस्ट्रा एनडी फर्स्ट। 120वां क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2013 को संपन्न 58वें फिल्म फेयर समारोह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखिए ये हैं स्वर्गीय यश चोपड़ा, ए ऑप्शन सी। 20 जनवरी 2013 को संपन्न 58वें फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मरण उपरांत यश चोपड़ा को प्रदान किया गया। 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2013 का यश भारती पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिए यह सुरेश रैना, सी ऑप्शन सही है इसमें। 23 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की 103वीं जयंती पर लखनऊ में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती सम्मान 15 व्यक्तियों को प्रदान किया। किसन अनुसार इसमें भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी शामिल है। 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी उच्च पदाधिकारी ने अपने फरवरी 2013 के भारत दौरे के समय जलियांवाला बाग का निरीक्षण किया? तो याद रखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। फरवरी 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारत के दौरे के समय जलियांवाला बाग का निरीक्षण किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और शेखुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। 123वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, 2 और 4 में, मतलब मेघालय और त्रिपुरा। केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 2013 को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर मेघालय त्रिपुरा के लिए उच्च न्यायालय की घोषणा की गई है। मार्च 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर द्वारा उद्घाटन किए जाने के पश्चात प्रारंभ हो गया। 24वां क्वेश्चन है, 124वां हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति विद्रोह के कारण मार्च 2013 में पलायन कर कैमरून चले गए? तो याद रखिए मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 24 मार्च 2013 को विद्रोही द्वारा राजधानी बांगोई में पर कब्जा करने के पश्चात यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस बोजाइस ने पलायन कर कैमरून में शरण ली तथा विद्रोही नेता मिशेल जोटो डिया ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया। 125वां क्वेश्चन है हमारा, 12 मार्च 2013 को मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित भारतीय पदाधिकारियों में से कौन विशिष्ट अतिथि था? तो राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सही है। 12 मार्च 2013 को मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता समारोह में विशिष्ट अतिथि भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। 136वां क्वेश्चन हमारा, दक्षिण प्रशांत महासागरीय में सागर में स्थित द्वीप राष्ट्र जिसे वर्ष 2013 को आए भूकंप से उठी सुनामी में भारी क्षति हुई है? तो याद रखिए यह सोलोमन आइलैंड। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में द्वीप राष्ट्र
सोलोमन आइलैंड में 6 फरवरी 2013 को 8 रिएक्टर परिमाण के भूकंप से उठी सुनामी के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी। 127वां क्वेश्चन, पुस्तक तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी जिसका अनावरण 2013 को दिल्ली में विमोचन किया गया के लेखक थे, तो याद रखिए बी ऑप्शन है विमल कुमार। तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक विमल कुमार है। 20 मार्च 2013 को दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। 128वां क्वेश्चन, मार्च 2013 में किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को बॉर्ड इंटरनेशनल का संपादक नियुक्त किया गया। मार्च 2013 को में किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को टाइम इंटरनेशनल संपादक का नियुक्त किया गया है, संपादक नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए बॉबी घोष हैं। मार्च 2013 को प्रसिद्ध टाइम इंटरनेशनल पत्रिका का संपादक भारतीय पत्रकार बॉबी घोष को बनाया गया। 129वां हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2013 में संपन्न 85वें एकेडमिक अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर जीता है, तो याद रखिए आर्गो ने, ए ऑप्शन सही है। फरवरी 2013 में संपन्न 98वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार फिल्म आहो को प्राप्त हुआ, तो याद रखिए दोस्तों ये 85 है, ठीक है, 85वें अकादमी अवार्ड है। 130वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो डी ऑप्शन है प्रोफेसर आर नरसिम्हा को। वर्ष 2013 में 4 विभूतियों को पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें प्रोफेसर रोइम रुद्रम नरसिम्हा है विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए, श्री एस हैदर रजा कला के लिए, श्री रघुनाथ महापात्रा एक कला में, प्रोफेसर एस पाल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी। 131वां क्वेश्चन, वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष होने वाले समकक्ष माने जाने वाला 2013 का फिट्जर वास्तुकला पुरस्कार जिसकी घोषणा लॉस एंजल्स में मार्च 2013 में की गई, किसने जीता, तो याद रखिए सीवर टोयो इटो ने, सी ऑप्शन सही है टोयो इटो ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वास्तुकला में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाले फिट्जर पुरस्कार वर्ष 2013 का जापान के टोयो इटो को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा लॉस एंजल्स में वर्ष 2013 में की गई। 132वां क्वेश्चन है, फरवरी 2013 में द हेग के स्थायी पंचायत न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया, तो याद रखिए बी ऑप्शन है किसन गंगा जल विद्युत परियोजना। फरवरी 2013 में द हेग के स्थायी पंचायत न्यायालय द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के वारमूला जिले में किसन गंगा जल विद्युत परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया। यह परियोजना भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित है। 133वां क्वेश्चन है, शिव ग्रंथ तय इसकी जिसकी तीसरी पुस्तक द ओथ ऑफ वायु पुत्रा ताज का विमोचन फरवरी 2013 में हुआ, जिसके द्वारा लिखी गई, तो ये ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी द्वारा। शिव ग्रंथ तय जिसकी तीसरी पुस्तक द ओथ ऑफ वायु पुत्राज का विमोचन कर फरवरी 2013 में हुआ, इस पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। अब 134वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काई ओ छे किस उपन्यास पर आधारित है, तो डी ऑप्शन है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काई ओ छे चेतन भगत द्वारा लिखित उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर आधारित है। 135वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर साहित्य आयोजन जनवरी 2013 में विवाह है विवाद के केंद्र में था, तो बी ऑप्शन है आशीष नंदी। आशीष नंदी अपने विवाद
इस पर बयान के कारण विवाद में केंद्र में रहे। 136 हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और शेख लुबना बिन खालिद खालिद अल कासिमी कासिमी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए वो किस देश के साथ समझौता था? तो डी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री शेख लुबना बिन खालिद अल कासिमी ने एक समझौता ज्ञापन किया है। 137वां क्वेश्चन है, किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार में थे क्योंकि उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भी उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया? तो इटली के, ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 9 सैनिकों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में वहां के राजदूत द्वारा दिए गए शपथ पत्र जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि इटली में आम चुनाव में मतदान के पश्चात यह 9 सैनिक वापस आ जाएंगे का अनुपालन न करने के कारण न्यायालय ने हत्यारोपी 9 सैनिकों को की भारत वापसी पर इटली के राजदूत के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। 138वां क्वेश्चन, राम सेतु शुरू हुआ है तो ए ऑप्शन है, राम सेतु शुरू होता है तो धनुष कौड़ी से। राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कौड़ी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला उथले जलीय भाग के रूप में है। 139वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से चुनना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा, 4 मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, फिर अपना फ्रांस, फिर अपना जापान, फिर रूस। अमेरिका 104, फ्रांस 58, जापान 50, रूस 33। 140वां क्वेश्चन, पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार दास हाल ही में राज्यपाल बने हैं तो डी ऑप्शन नागालैंड के। 141वां क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है तो रेड डाटा बुक में, बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक सूची में शामिल किया गया है। कोई प्रजाति यदि उस अपने आवास क्षेत्र में 50 वर्षों तक ना दिखाई दे तो उसे विलुप्त प्रजाति घोषित किया जाता है। 142वां क्वेश्चन, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं तो इन तो बी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में फयान, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में गहन जानकारी हेतु भारत गए। इन चीनी लेखकों ने अपने लेखों में भारतीय क्षेत्र हेतु इन तो शब्द का प्रयोग किया जो चीनी भाषा का शब्द है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 143वां क्वेश्चन, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है तो ये ऑप्शन है शिक्षक। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। 144वां क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो याद रखिए ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। इसमें ए ऑप्शन सही है, लेडी कैथरीन मेयो ए मदर टेरेसा, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एंड मिड नाइट है, राम मनोहर लोहिया है ये गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेडी कैथरीन मियोर मदर इंडिया, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लाफेरे फ्रीडम द एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 145वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है तो पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 146वां, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है
याद रखिए सी ऑप्शन है नवी अनुसूची में। नई अनुसूची में 11वें बिंदु पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 है। 147 से गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो न्याय पर, बी ऑप्शन सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास 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 पर आधारित थी। न्यास सिद्धांत में यह निहित है कि व्यक्ति संपत्ति का मालिक ना होकर सिर्फ उसका प्रबंधक है। 148वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो श्रीलंका। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास विभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2013 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या इस प्रकार है, भूटान में 60 प्लस आयु है 7.0 और 80 प्लस आयु 0.9। भारत में 8.3 60 प्लस आयु, 80 प्लस आयु 0.8%। नेपाल में 7.8% और 0.6%। और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ 12.7 और 1.4% 80 प्लस है। 149वां क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिए हैदराबाद। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रतिष्ठान के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1984 में मानव विकास नगर सिकंदराबाद हैदराबाद में एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में की गई है। इस निकाय के नई दिल्ली कोलकाता मुंबई में 3 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए, कार्यालय हैं दिल्ली कोलकाता मुंबई में। 150वां लास्ट क्वेश्चन हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक है, एक सूची दो है, एक उकाई है, ये गुजरात में, बी ऑप्शन इसमें वैसे सही है गुजरात में। पत्रातु है ये झारखंड, पैंच है मध्य प्रदेश और फिर अपना डकोल ए महाराष्ट्र। इसका वो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उकाई है गुजरात, पत्रात है झारखंड, पैंच है मध्य प्रदेश, डाकोल है महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, ये था UPPCS 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं UPPCS प्रारंभिक परीक्षा का 2014 का पेपर फर्स्ट।